दोस्तों सब्सक्राइब करिए, इस बेल को दबाइए और आने वाले वीडियोस का लाभ उठाएं। नमस्ते दोस्तों, फूड्स फ्राई में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड पैटिस बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेड पैटिस बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए देखते हैं। ब्रेड स्लाइस, 4 उबले हुए आलू, बेसन, हरी मिर्च की पेस्ट, इसमें हमने डाला है हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 10 लहसुन के टुकड़े, जीरा, हरी धनिया, थोड़ा सा नमक डाल के इसकी पेस्ट बनाई है। यह है हरी धनिया और कड़ी पत्ता, तेल, हींग, अजवाइन, हल्दी पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, राई, जीरा, गरम मसाला पाउडर, पानी। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड पैटिस। सबसे पहले हम आलू का स्टफिंग बनाएंगे। कढ़ाई में डालेंगे 4 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग। इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। अब डालेंगे कड़ी पत्ता, इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। अब डालेंगे हरी मिर्च की पेस्ट, इसमें हमने डाला है 10 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 10 लहसुन के टुकड़े, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हरी धनिया, नमक डालकर मिक्सर में इसकी पेस्ट बनाई है। इसमें हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है। अब ये डालेंगे 2 चम्मच। लो हीट पे इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। लो हीट पे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे उबले हुए आलू, आलू के हमने टुकड़े किए हैं। इसमें डालेंगे हरी धनिया, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैशर की मदद से आलू को हम अच्छे से मैश करेंगे। आलू को हमने अच्छे से मैश कर दिया है, इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू का स्टफिंग तैयार है, अब इसे हम ठंडा करेंगे। अब हम बेसन का घोल बनाएंगे। बाउल में लेंगे बेसन, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन, चुटकी भर बेकिंग सोडा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाएंगे। घोल गाढ़ा और ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। बेसन का घोल मीडियम थिक होना चाहिए, इसमें कोई गुठलियां नहीं होनी चाहिए। अब डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन का घोल तैयार है, देखिए इस तरह से है। अब इस घोल को हम साइड पे रखेंगे। अब हम पैटिस बनाना स्टार्ट करेंगे। लेंगे ब्रेड स्लाइस, इसके ऊपर लगा के आलू का स्टफिंग,
आलू का स्टफिंग को हम ब्रेड पर अच्छे से लगाएंगे। अब इसके ऊपर दूसरा ब्रेड स्लाइस लगाएंगे। इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा प्रैक्टिस बनाएंगे। इसे रखते हैं साइड पे। ये लेंगे ब्रेड स्लाइस, इसके ऊपर लगाएंगे आलू का स्टफिंग। इसके ऊपर दूसरा ब्रेड स्लाइस लगाएंगे। ब्रेड स्लाइस को हमने अच्छे से स्टफिंग कर दिया है। अब इसके हम तिरछा कट करेंगे। हमने पैटीज को दो हिस्से में बना दिया है। देखिए ये इस तरह से है। अब पैटीज को हम बेसन के घोल में डालेंगे। इसे पहले प्रेस करेंगे अच्छे से। अब डालेंगे बेसन के घोल में। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी पैटीज बनाएंगे। मीडियम हीट पर ब्रेड पैटीज को डीप फ्राई करेंगे। चारों ओर से पैटीज अच्छे से फ्राई होना जरूरी है। पैटीज अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है। चलिए इसे निकालेंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी पैटीज बनाएंगे। ब्रेड पैटीज तैयार है। हमने ब्रेड पैटीज को प्लेट में सर्व किया है। आप ब्रेड पैटीज को खाइए पुदीने की चटनी के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई रेसिपी डालें वो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। America.